डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया था? तो 1928 में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में। डॉक्टर रंगनाथन ने कूलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की थी? तो 1933 में। इसका अब तक कुल 7 एडिशन आ चुका है कूलन क्लासिफिकेशन का। डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC की रचना कब किया था? 1934 में। इसका भी अब तक कुल 5 एडिशन आ चुका है। डॉक्टर रंगनाथन ने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना की थी 1938 में। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना किया गया था तो 1945 में। डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना 1948 में किया था। डॉक्टर रंगनाथन सर्वप्रथम 5 लॉ का प्रतिपादन कहाँ किया था? तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर तमिलनाडु में। बाल विकास एवं एक वयस्क विकास कौन सा सूत्र प्रतिपादन करता है 5 लॉ और लाइब्रेरी साइंस में से? तो 5वां सूत्र जो है तो इससे संबंधित है, बाल विकास और वयस्क विकास से संबंधित है। वह पुस्तकालय जो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के धन से संचालित होता है उसे सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी करते हैं। यूनेस्को ने सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो को कब तैयार किया और पहला संशोधन कब किया था? तो 1949 में तैयार किया था और पहला संशोधन 1972 में किया था। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में राधा कृष्ण आयोग कब आया था? तो 1948 में। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय स्थान इसे कहा जाता है। सबसे पहले राधा कृष्ण ने इसे परिभाषित किया था, उसके बाद सी वी देशमुख ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए बताया था कि विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय जो है वो पुस्तकालय का हृदय होते हैं। इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय विद्यालय पुस्तकालय महाविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय इनमें से कौन सा पुस्तकालय है? ये शैक्षणिक पुस्तकालय है। इसका 3 प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1836 में कोलकाता में पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इम्पीरियल लाइब्रेरी का कब बनाया गया? तो 1902-1903 में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया? तो 1948 में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कब मेटकॉफ नामक भवन में स्थापित किया गया था? तो 1844 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो 1891 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? 21 जनवरी 1903 को। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? जॉन मैकफॉरलेन। किस लाइब्रेरियन ने 1935 में 6 महीने का लाइब्रेरी प्रशिक्षण प्रारंभ किया था जो कि 1945 तक चला था? तो 1935 में के एम असदुल्ला ने। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय लाइब्रेरियन कौन थे? तो B.S. केशवन। भारतीय राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? तो 1 फरवरी 1953 को शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खोला था। INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पूरा नाम क्या है बताइए दिया? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को कौन प्रकाशित करता है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय या CRL करता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब आया था? 1954 में। वर्तमान में INB का निर्माण कौन कर रहा है? तो CRL यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो कोलकाता में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन कौन कर रहा है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित यह है, इसका प्रधान डायरेक्टर जनरल होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना था? 1948 में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकेप कहाँ है? देहरादून में है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड हैंडीकेप कब बना था? तो 1979। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ है और यह कब बनी थी? तो निस्कियर दिल्ली में 1964 में बनी थी। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ यह कब बना था? न्यू दिल्ली में 1947 में। खुदा बख्श ओरिएंटेड जिसे हम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बोलते हैं कहाँ पर है? तो पटना में 1891 में ये बना था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता 1948 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो USA यानी अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये 1800 में बना था। बिब्लियोटेक नेशनल 1940 में। स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को रूस
1862 में बना था। अगर आप मौलाना नजरुल्लाह यूनिवर्सिटी से बीएस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तकोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज कर लिए। ये गाइड जो है वही के विद्वानों द्वारा जो बेलिस का जो थ्योरी का जो पांचों पेपर है उन पांचों पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिले। अगर आपको बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस एग्जाम का तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो बिलिस का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। इसमें पिछले कई सालों का सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है बिलिस एग्जाम का मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के।